तो जी हम पोस्ट ऑफिस पे आ गए, तो देखते हैं यहाँ पे क्या सेटिंग है। अब किचन में हम आ गए, यहाँ पे आंटी कुछ बना रही हैं दाल चावल, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे तड़का लगाया हुआ है। और यहाँ आपके भाई का कीमा जो कमी वाला समोसा जो हमने बनाना है। अस्सलामुअलैकुम जी। ये क्या है? के भाई की मॉर्निंग हो गई थी अभी, तो गुड मॉर्निंग हो गया आपको अपने भाई की तरफ से। हमारी मॉर्निंग जो वो थोड़ी सी लेट हुई क्योंकि हम थोड़ा सा रात में काम शाम कर रहे थे सहरी के बाद और लेट सोए थे, तो आज थोड़ी लेट आँख खुली और अभी मैं लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी। मीटिंग शीटिंग है एक दो आपकी, तो अभी चलते हैं फटाफट फ्रेश होते हैं, उसके बाद मीटिंग शीटिंग निपटाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कोई सेटिंग। क्योंकि कल आपके भाई की अफ्तारी सबको इतनी पसंद आई कि सब बोलने यार आज भी आपने अफ्तारी बनाई, तो हमने सोचा कि आज कुछ दोबारा समोसे वमोसे बनाएंगे और कुछ उसके अंदर अपनी रेसिपी डालेंगे। हाँ जी, यहाँ से हम फारिग हुए तो हमें याद आया कि हमें आज पोस्ट ऑफिस भी जाना था क्योंकि जो हमारा सिक्योरिटी का रिजल्ट आया था हमें उसका बैच वगैरह अप्लाई करना है, क्योंकि यार सारे काम के साथ साथ ये काम भी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस से गुजारना पड़ता है हर चीज़ को। अगर किसी काम में आपके 2 वीक या 2.5 वीक लगने हैं तो वो लगने ही लगने हैं, उस पर ऐसा नहीं है कि आप जल्दी करवा लो या फिर आप बोलो कि बस 2 दिन में काम हो जाए। रोड जो बिल्कुल खुश पड़े हुए हैं क्योंकि आज बारिश रुक गई थी बिल्कुल और साफ है, बिल्कुल आसमान भी ऑलमोस्ट साफ है। इस मामले में जो है पाकिस्तान बड़ा याद आता है क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि हर काम बहुत जल्दी करवा सकते हैं आप, वहाँ पे तो एक हफ्ते के अंदर NIC बन जाता है। मैं भी तो प्रेसिडेंट बन सकना है। यहाँ पे आपको अगर सिर्फ एक छोटा सा बैच भी अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको पूरे 1 महीने के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो यार काफ़ी ज़्यादा वॉक के बाद हमें वो सामने पोस्ट ऑफिस नज़र तो आया लिखा हुआ। तो जी हम पोस्ट ऑफिस पे आ गए, तो देखते हैं यहाँ पे क्या सेटिंग है। आपका भाई आपको जैसे जैसे चीज़ें एक्सप्लोर करता है तो गाइड करता रहता है, तो मैं आपको एक और आज मशवरा दूंगा कि अगर आप UK आते हो तो आप अपने नसीब में ख्वारी लिख लो क्योंकि हमारे घर के पास एक पोस्ट ऑफिस था सिर्फ 2 मिनट की वॉक पे, वो हो गया परमानेंटली बंद। तो हम जो है 20 से 25 मिनट वॉक करके दूर आए पोस्ट ऑफिस, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे आप बैच अप्लाई ही नहीं कर सकते, आपको उसके लिए बड़े पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा वो है हॉस्टलों में। हालांकि जब मैंने इस पोस्ट ऑफिस की इन्फॉर्मेशन निकाली थी तो उसमें लिखा हुआ था कि आप यहाँ से हर तरह के बैच हर तरह की पोस्ट वगैरह कर सकते हैं। जी तो बस चलते हैं घर की तरफ क्योंकि आपके भाई ने थोड़ा बहुत सामान भी लेना है, तो वो सामान लेके फटाफट घर निकलते हैं। तो आपके भाई ने आज ऐसी चीज़ ढूंढी है कि आपको वाकई पाकिस्तान की याद आ जाएगी और मुझे भी उसको देख के पाकिस्तान की याद आ गई, मुझसे रुका नहीं गया, वो जैसी भी थी ताज़ी थी नहीं थी मैंने ले ली। अब ये कि घर जाते तो मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि उस टाइम वहाँ पे इतना रश था कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका उसे, तो बस अब घर पहुँचता और मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। तो भाई हम घर पहुंच गए और आपका भाई लेके आया है आज फेनी और खजला। मुझे नजर आया तो मैंने बोला क्या इसको देखते तो मुझे पाकिस्तान की याद आया, हमने ले लिया और इसको खाएंगे सहरी में, तो देखते हैं टेस्ट भी पाकिस्तान वाला होता है या फिर मीटिंग वगैरह से फ्री हो गया था। आज काफी लंबी मीटिंग थी क्योंकि आपको पता है कि आपका भाई अपना ब्रांड लॉन्च कर रहा है, तो उसी के सिलसिले में थोड़ी बहुत मीटिंग वगैरह थी जो आपके साथ भी शेयर करनी है, लेकिन थोड़ा वक्त आना तो थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करके मजा आता है फिर। तो अब चलते हैं किचन में क्योंकि आज आपके भाई ने बनाने कीमे वाले समोसे, काफी डिमांड आई है आपके भाई के कल समोसे खाने के बाद, सबने बोला है कि कीमे वाले समोसे भी आप नहीं बनाने। तो अब चलते हैं किचन की तरफ। ताहिर आज थोड़ा मसरूफ है क्योंकि उसका एग्जाम है, तो उसको छेड़ते नहीं आज, जो करना है हमें अकेले ही करना है, तो चलते हैं। किचन में हम आ गए, यहाँ पे आंटी कुछ बना रही हैं दाल चावल, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे तड़का लगाया हुआ है और यहाँ आपके भाई का कीमा जो कमी वाला समोसा आज हमने बनाना है और ये चीज़ें आज हमने फ्राई करनी है। चूल्हा आंटी ने बुक किया हुआ, आंटी ने बोला कि पहले आज मैं अपने काम करूँगी उसके बाद आप अपने काम कीजिएगा क्योंकि कल मैंने बहुत ज़्यादा देर लगा दी थी, तो मैंने कहा चलो आंटी आप अपने काम शाम मुका लें, फिर आपको पता है आपका भाई शेफ है तो वो संभाल लेगा सारा। निकल हमारा कीमा यहाँ पे तैयार हो रहा है और आंटी मुझे कह रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ हिलाते ही है, बाकी सारा सब कुछ तो मैं डालती हूँ। तो मैंने आंटी को बताया कि जो शेफ होते हैं उनका हाथ लगना ही जायका होता है। Later that same evening. आंटी तो हम काफी लेट हो गए थे इसलिए हमने बोला कि चलो यार ब्लॉग को रखो थोड़ा देर साइड पे क्योंकि हमें सामान सामान बनाना था। और ये आपके भाई ने समोसे देखे आज कीमा के बनाए और ये कटलेट्स, ये बाकी सारा काम ना देने की। हाँ जी, तो हम लोग अब अपना बनाया हुआ समोसा टेस्ट करते हैं। मजेदार। One extremely annoying shift later. जी तो यार हमने अफ्तारी वगैरह कर ली थी, उसके बाद बस आपके भाई के सर में दर्द हो और आपका भाई जो है बस लेटा और उसको पता ही नहीं चला कि वो कब सो गया। बस अभी मेरी आँख खुली है तो यहाँ पे रात के कोई 2:30 बज रहे हैं इस टाइम पे, तो मैंने सोचा कि यार मैं व्लॉग की एंडिंग तो की नहीं, तो फटाफट आपका भाई नींद से उठा सिर्फ और सिर्फ व्लॉग की एंडिंग करी। तो यार नींद बहुत आई हुई है तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और आप लोग से मिलते हैं कल। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब करना तो समझो आप लोग का फर्ज है। मिलते हैं आप लोगों से कल, तो फिर ओके।